विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में एक बार फिर चिकित्सकों की लापरवाही के चलते जच्चा और बच्चा की मौत का मामला प्रकाश में आया है। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, बाद में मामला शांत हुआ। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गहिरा निवासी उर्मिला दाइया को 2 दिन पूर्व डिलीवरी के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल के गायनी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने महिला के परिजनों को एक पर्ची दी और बोले कि विंध्या हॉस्पिटल चले जाओ, वहां से ब्लड लेकर आओ, महिला को ब्लड की जरूरत है। जिसके बाद परिजन गए और विंध्या हॉस्पिटल से 5,000 रुपये में ब्लड खरीद कर लाए, जिसे बाद में चिकित्सकों ने चढ़ाने से इनकार कर दिया। इस बीच महिला दर्द से कराती रही, लेकिन चिकित्सकों की मानवता जरा भी नहीं जागी। इस बीच परिजनों को भी वहां से भगा दिया गया। इसी दौरान चिकित्सकों की लापरवाही से महिला की मृत्यु हो गई। चिकित्सकों द्वारा ब्लड नहीं चढ़ाए जाने तथा ठीक से महिला का उपचार नहीं करने से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हम आपको बता दें कि इन दिनों संजय गांधी अस्पताल खुद ही बीमार हो गया है, उसे ही उपचार की जरूरत है, क्योंकि आए दिन संजय गांधी अस्पताल और गांधी मेमोरियल में चिकित्सकों की लापरवाही के लगातार मामले प्रकाश में आ रहे हैं। मामला था, कहाँ से लेके आए थे, क्या मामला था पूरा? परसों ब्लड लाए थे विंध्या से, बोले थे तो वहाँ से लाया, तो वो ब्लड चढ़ गया है। कल हमारा 12 बजे ब्लड यहाँ आ गया है, लेकिन डॉक्टरों की वजह से हमारा ब्लड नहीं चढ़ा है। हम जाके पर्ची यहाँ जमा किए हैं, पर्ची वहाँ उसमें लगा दिए हैं। वो बोला, मैडम बोली कि आज नहीं चढ़ेगा, अब कल चढ़ेगा। हमको वहाँ से हड़क दी थी मैडम, एक भगा दी थी। फिर हमारे मामा का लड़का एक साथ में आया, वो भी हाथ जोड़ा, तो भी बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब डिलीवरी हो जाएगी, जब इसके बाद चढ़ेगा, कल चढ़ेगा। फिर हम क्या करें सर, आज मौत हो गई डॉक्टरों की लापरवाही से। ऐसे आज मौत हो गई।